ఫైనల్ కాలేజ్ పోచ్చు हेलो वन एक और नए फ्रेश वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। कैसा है? बढ़िया। तो काफ़ी टाइम बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ एंड आदत छूट गई थी। तो अभी सुबह के बज रहे हैं, तुम्हारे कितने बज चुके सुबह के? अरे घड़ी इधर दिखा दे भाई, शो ऑफ तो करूँगा ही थोड़ा सा। अरे 7:50 हो गए एंड आज है 2 जून, जैसा कि आप देख सकते हो आज है मेरा इको का पेपर। धीरे धीरे भाई गर्मी बढ़ रही है एंड मुझे महसूस हो रहा है कि भाई हद ज़्यादा गर्मी में जाना है मेरे को। तो हम निकल जाएंगे घर से 12:30 बजे करीब एंड मतलब 2-2.5 घंटे लगते हैं अलीपुर जाने में। अलीपुर बड़ा मेरा सेंटर, ठीक है। पिछली बारी भी आपको मैंने दिखाया था कि मेरा कॉलेज जहाँ पे मैं पेपर देने जा रहा हूँ उसका मैंने क्लासरूम दिखाया था, एंट्रेंस दिखाई थी खंडर जैसा, ठीक है। यहाँ पे आई बटन पर लिंक दे रहा हूँ, जाके चेकआउट कर लेना। और चलते हैं कहाँ पे? कॉलेज चलते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं, फिर जैसा भी होगा आपको दिखाते रहेंगे। काफ़ी टाइम बाद व्लॉग शूट कर रहा हूँ, आदत ही छूट गई थी भाई मेरी। तो मेट्रो से चलेंगे, फिर मेट्रो से बस पकड़ेंगे। पिछली बारी तो मेरा दोस्त था मेरे साथ, तो हम चले जाते थे बकचोदी कर करके, लेकिन इस बारी ऐसा कोई सीन नहीं। इस बारी मैं पढ़ाई करते करते जाऊँगा, ठीक है। कोई भी ऐसा सीन नहीं है कि भाई किसी से बकचोदी करनी। अपनी कॉपी किताबों से भाई लड़ूंगा मेट्रो में भी, और वहाँ सेंटर में पहुँचने के बाद वहाँ से फिर देखना है कि रूम नंबर कहाँ पर पड़ा है, इसलिए आधा घंटा 1 घंटा पहले पहुँच जाऊँगा वहाँ पर। मैं लंच भी लेके चले जाऊँगा, ठीक है ना। तो बस होता है लाइफ में कभी कभी अकेला चलना पड़ता है आप लोगों को, कोई स्टेज भी आएगा, ठीक है। ये है हमारी इकोनॉमिक्स की बुक एंड इस पर मैंने पूरी तैयारी कर ली, देख सकते हो आप। फाड़ फोड़ दिया भाई, ये देख रहे हो, फाड़ फोड़ के अलग कर दिए इसको मैंने। मतलब इसमें जो जितने भी नोट्स थे ना, मतलब इस कॉपी बुक के, ठीक है, मैंने सारे के सारे मतलब ये 4 पेन लेके जाऊँगा पहले से निकाल रखे। ये देखो ये मैंने निकाल लिया पहले से ही, ठीक है। ये कुछ ऐसी पढ़ाई करी है मैंने, देख रहे हो। मतलब मैंने ना पिछले 3 साल के क्वेश्चन कर रखे हैं टोटल, जिसमें जो रिपीटेड क्वेश्चन है, बाकी वहाँ पे तो भाई बना के लिख के आना पड़ता है। बाकी हमने समझ लिया है सारा, क्वेश्चंस वगैरह भूल तो जाता ही है, आपको पता ही है, थोड़ा बहुत तो माइंड से निकल ही जाता है। तो फाइनली घर से निकल चुका हूँ, मतलब 1 घंटा पहले ही मैं घर से निकल गया था, क्योंकि तो मुझे पता है वहाँ पर 2-2.5 घंटे तो भाई जाने जाने में लग जाएंगे। बस का आता पता नहीं है वहाँ पर कि कितनी जल्दी बस आती है। पिछली बार तो जल्दी आ गई थी, पता नहीं इस बार शायद लेट भी हो सकता है। तो एग्ज़ाम सेंटर पे लेट पहुँचे ऐसा नहीं होना चाहिए। 2-2.5 घंटा पहले भाई, 2-2.5 घंटे का आधा घंटा पहले पहुँच जाएंगे एग्ज़ाम सेंटर, फिर चलते हैं भाई। गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी है, कसम से बता रहा हूँ, फटके 4 हो गई है एंड मेट्रो में तैयारी करेंगे। पहले यहाँ से राजीव चौक जाना है। स्टेशन है, बैठेंगे उसके बाद चलेंगे। थक गया मैं बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है टायर्ड हो गया। पेपर देखे ख़त्म करो ये सारी झंझट। समायर पुतली बाली के लिए जा रहे हम। बता सालों ने ट्रेन ही ख़त्म कर दी विश्वविद्यालय तक, फिर नेक्स्ट स्टेशन लेना पड़ा। ऐसी की तैसी इनकी यार, वैसे ही दिमाग ख़राब हो रहा, जल्दी पहुँचूँ यार। बस पकड़ते हैं, चलते हैं। ऐसे वीडियो बनाते बनाते गया था, इधर आ जाओ, आज इधर आ जाओ फिल्ली, यहाँ से हाँ इधर से आज पिछली बार भी ऐसे गए थे अपन। 28 तो यहीं पढ़ना चाहिए, खंडर तो यही था, यहीं पढ़ेंगे सारे, एक साथ पढ़ते हैं। मैं तो पिछली बार वीडियो बना के चला गया था, मैं पानी वाइट पे था, पानी हाँ वो तो वही वाइट पे थे, क्लास रूम वही सारे। ये लड़कियों को पास में देते हैं, हर पास के कॉलेज सारे बुक होते हैं, लड़कियों को पास देते हैं, हमें दूर दे देते हैं। लड़कियों जितने भी कॉलेज में सब यहाँ पे मिलेंगे, फाइनली कॉलेज पहुँच सब दी में मिलेगा, कॉलेज होगा यहाँ पे मिलेगा। ये दो भाई भी फर्स्ट ईयर में फेल हो गए थे दोनों भाई, दिखा मुँह छुपा रहे अपना कि भाई वायरल ना हो जाए यूट्यूब पे। बताओ यार, बस वो पेपर ख़त्म हो गया भाई, कसम से बहुत बढ़िया पेपर गया, मज़ा आ गया।
सो पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया था, लेकिन जो क्वेश्चंस थे बहुत ज़्यादा ट्रिकी थे, मतलब तीन चार क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन बन गया था। एंड भाई मज़ा आ गया पेपर देके, सही बता रहा हूँ, अपनी लैंग्वेज में लिखने का मज़ा ही कुछ और है। अरे भाई मिले मेरे को, कैसे भाई? भाई सोच रहे हैं कि कर क्या रहा भाई ये तो। एक्चुअली मैं यूट्यूब पर वीडियोज़ भी बनाता हूँ। अच्छा, आज से नहीं बना रहा, मुझे 3 साल हो गए। तो ये जितने भी कॉलेज वगैरह से रिलेटेड होते हैं या नहीं? नहीं, मेरा ब्लॉगिंग कॉन्टेंट है, मैं अपनी लाइफ स्टाइल शो करता हूँ लोगों को। सो ये हमें अभी मिले, बताओ अभी फ्रेंड्स बने हम लोग, पानी भरते भरते फ्रेंड बन गया, बाहर निकल जाओ तब फ्रेंड बन जाते हैं ऐसे। बड़ा यार सीन सपाटा गंदा है। तो भाई रहते हैं लक्ष्मी नगर, पीजी वगैरह में रहते हो क्या भाई? पीजी में रहता हूँ, पीजी में रहते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करता हूँ। अच्छा 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 भाई तैयारी कर रहे हो? अरे बहुत ही बढ़िया यार, हम इतने पढ़े लिखे नहीं है भाई, हम नॉर्मली ग्रेजुएशन कर ले वही बहुत बड़ी बात हमारे लिए। ग्रेजुएशन का वेट है कि ग्रेजुएशन बेसिस पे जाने वाली बात। तो चलो यार घर निकलते हैं, फिर मिलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों पेपर देके बहुत पहले आ चुके हैं, ठीक है। आते आते मुझे 8:30 हो गया था, ठीक है, वहाँ से 6:30 निकला था, 7 बजे तक बस पकड़ी थी, मतलब 8:30 पर तो घर आ गए थे हम लोग, ठीक है, ऑलमोस्ट 9 बजे गए थे। तो अभी कितने बज रहे? अभी 11:30 हो रहे हैं, मोटर चला तो फटाफट। एंड पेपर मेरा अच्छा गया, एंड मतलब ये ऐसा हो गया था मेरे साथ एक बार, एक क्वेश्चन ऐसा था कि मैं सोचा चल लिख लेता इसको बाद में कर लूँगा, एंड वही क्वेश्चन एज इट इज़ आ गया, बताओ। ठीक है, 5 क्वेश्चन करने थे, टाइम खत्म होने वाला था, 30 मिनट एक्स्ट्रा मिल गए थे हम लोगों को, फटाफट जैसे फटाफट लिखते चले गए। एंड बस ऑलमोस्ट पेपर, बस गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ऑलमोस्ट पेपर हो ही गया था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी भाई। पानी की सुविधा वहाँ पे बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठंडा पानी मिल जाता है, पर लेकिन वहाँ पे जो टीन है ना, जो सत्य है वहाँ पे, आपको पहले भी दिखा रखा मैंने, बस वही एक बेकार चीज़ है, क्योंकि उससे ना गर्मी बहुत ज़्यादा रखती है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो टिल देन बाय, टेक केयर, जय वंदे मातरम, खुश रहो, सेफ अपने परिवार के साथ रहो, हैप्पी रहो, बस यहीं तक रख रहा हूँ ब्लॉग को, ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के दिन,